हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला मोटो G73 5G के बारे में, जो कि हाल ही में मोटोरोला ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। ये उनका मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यह एक रिव्यू होने वाला है इस फ़ोन का, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फ़ोन को इंडिया में सिंगल एक स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर 8GB रैम है और 128GB स्टोरेज है। इसका प्राइस है यहाँ पे 19,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको एडिशनल 2,000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा अगर आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है या फिर आप किसी और फ़ोन को एक्सचेंज करते हो, तो ये यहाँ पे ऑफर दिया रखा है। और ये फ़ोन दो कलर ऑप्शन में आता है, ल्यूसेंट वाइट और मिड रेंज ब्लू, काफ़ी अलग से नाम है। इसके अलावा फ़ोन को आप 16 मार्च से परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। इस फ़ोन में हमको एक 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिल जाती है। एमोलेड होनी चाहिए थी इस प्राइस में खासकर। और डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हमको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, बट एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी इस प्राइस में, क्योंकि हर प्राइस में मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेजल्स हैं फ़ोन के, वो आपको काफ़ी कम मिल जाते हैं, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा। बस एमोलेड की ही कमी है, वो होता तो और अच्छा बेटर होता। इसके अलावा यहाँ पे 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हमको एक पंचोल कटआउट मिल जाता है। इस पंचोल कटआउट में एक 16MP का सेल्फी कैमरा दिया रखा है। और रियर कैमरा की बात करें, रियर में ड्यूअल रियर कैमरे का सेटअप है। प्राइमरी कैमरा जो है वह 50MP के लेंस के साथ में आता है और जो सेकेंडरी कैमरा है वह 8MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके अलावा यहाँ पे मैक्रो मोड और पोर्ट्रेट मोड आपको इसी में मिल जाएंगे, तो उनको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा इस फ़ोन के रियर कैमरे से आप 1080p में 60fps पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। आई थिंक 4K का ऑप्शन भी यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस में हमको अदर कंपटीशन के फ़ोन में आराम से मिल जाता है। इसके अलावा फ़ोन में 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो बैटरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। और परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन में MediaTek का Dimensity 930 दिया है। यह प्रोसेसर 6nm पर बेस्ड है एंड ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पावर इफिशियंट है। यहाँ पर इसकी जो क्लॉक स्पीड है वह अप टू 2.2 GHz तक की है और कॉर्टेक्स के A78 यहाँ पे कोर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आता है एंड 5G का सपोर्ट भी है। और इस फ़ोन में हमको 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं, तो 5G आप अपने एरिया में काफ़ी आराम से यूज़ कर पाओगे। फ़ोन में सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉयड 13 दिया है और हमेशा मोटोरोला के फ़ोन में स्टॉक का एक्सपीरियंस रहता है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फालतू के जो ब्लॉटवेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। इसके अलावा 3 साल तक यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स और OS अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, तो इस मामले में भी मोटोरोला इस फ़ोन में काफ़ी बेटर है। और इसके अलावा फ़ोन में IP52 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि इस फ़ोन को वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी बनाती है। फ़ोन को डुबो मत देना पानी में, थोड़े बहुत छींटों से आपका फ़ोन बच जाएगा। इसके अलावा फ़ोन में टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm का हेडफोन जैक है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें दी हैं। इसके अलावा फ़ोन का वेट है 181 ग्राम का और थिकनेस है 8.3mm की, तो दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। आपको ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट मिल जाएगा एंड फ़ोन में हमको प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, जो कि ठीक है। और लास्ट में इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, प्लास्टिक की बॉडी के साथ में ये फ़ोन आता है। पर्सनली मुझे ये फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, अच्छे का क्या कहूँ, लेकिन कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि मोटोरोला के पिछले जितने भी जी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं सबको आप उठा के देख लो, सभी में इसी टाइप का डिज़ाइन है। काफ़ी बोरिंग सा डिज़ाइन यहाँ पे दे रहा है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिज़ाइन में लोग को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कैमरा को थोड़ा इधर से उधर कर दो, कुछ भी करो, थोड़ा सा अलग करो, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा नया नया फील आए, क्योंकि डिज़ाइन बिल्कुल भी अलग नहीं है। सो डिज़ाइन के मामले में इस फ़ोन को डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए था, थोड़ा सा R&D में खर्चा करो यार। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। फ़ोन मेरे ख्याल से अच्छा है 19,000 के प्राइस रेंज में, बस यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बस यही माइनस पॉइंट है। उसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी पावर पैक्ड हैं, आप इस फ़ोन को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा खासा ये फ़ोन है 19,000 के प्राइस रेंज में, आपको अच्छा खासा 5G फ़ोन मिल जाता है, सो यू कैन बाय दिस फ़ोन। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आपके क्या थॉट्स हैं मोटो G73 को लेकर, मुझे आप कमेंट में ज़रूर से बता सकते हो। तो दैट्स इट, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।